बच्चों मैंने कहा था कि हम लोग चलें 40 मिनट्स की क्लास ले लिया करें, लेकिन कोई ना कोई बात बीच में ही रह जाती है जिसकी वजह से मुझे दोबारा से आपको रीज्वाइन करवाना पड़ता है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। मैं नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट नहीं करवाती, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे चलें वो तो कर लेते हैं कंप्लीट। क्या ख्याल है आपका BS 8? मैम ठीक है, अदरवाइज मैं स्टार्ट से मैम स्टार्ट करना अच्छा पड़ेगा ख्याल लगता है। है। चलें शुक्र है जी, आपको भी ख्याल अच्छा लगे। अच्छा बच्चों, हम नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे थे, जिसमें मैं आपको ये बता रही थी कि नेगेटिव फीडबैक में, जैसे पॉजिटिव फीडबैक में उन्होंने कहा है कि चेंज अकर्स इन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर एक चेंज आ रहा है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि वो बच्चा घर से बाहर गया है, अब एक सिस्टम था कि जी आपने घर से बाहर नहीं जाना या कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए हम इसको बड़े पॉइंट पे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के, या इसी एग्जाम्पल को ही देख सत्संग में कैल्शियम की कमी, अगर या इसी एग्जाम्पल को ही देख लेते हैं आप कि जब आपके सिस्टम में एक चेंज है, एक सिस्टम है, एक फैमिली ने सिस्टम बनाया हुआ है, आपके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपने ये काम इस तरह से नहीं करना है या इतने बजे तक करना है, आपको एक पूरा डिसिप्लिन दे दिया गया है। जब तक आप उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, इट मीन्स आपके घर का इक्विलिब्रियम है, चल रहा है, सही चल रहा है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही फॉर एग्जाम्पल किसी एक दिन क्या हो गया कि कोई चेंज आ गया उसके अंदर, चेंज इन द सेंस, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दी भी आपको कि इस तरह से हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली कोई, मतलब ज्यादातर तो इस तरह से बच्चों उनके साथ ही होता है, लड़कों के साथ, लड़कियां तो बेचारी टाइम पे घर आती हैं, अगर देर भी हो जाए तो कितनी देर होगी, मगर इससे पहले तो आप घर पहुंच ही जाती है ना यूनिवर्सिटी से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक चेंज है जी, वो बच्चा बहुत लेट घर आया, उसने बताया भी नहीं है, तो अब घर वाले सारे परेशान हुए हैं, क्योंकि क्या है कि वो चीज पहली दफा हुई है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो पहली दफा डिसबैलेंस हुआ है, ये डिसइक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ है। अभी वहां पे क्या होगा, अब आप अगर उससे ये पूछेंगे कि बेटा आप क्यों नहीं आए या क्या मसला हो गया था, आप उससे आराम से पूछ रहे हैं, वो आपको बता रहा है, आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी बात को सुना है, समझा है, अब आपने थोड़ी सी उसके अंदर चेंज कर दी है कि बेटा ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह हो, आपको कोई काम हो या आप ना आ सकें, तो आप एटलीस्ट कॉल करके बता दिया करें या आप फोन कर दिया करें या कुछ भी। अब वहां पे आपने एक चेंज को अपने सिस्टम के अंदर क्या है, अप्लाई कर दिया, ये है एक पॉजिटिव फीडबैक। इससे क्या होगा कि आपकी जो आपस में एक दूसरे के साथ जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी उसी तरह कायम और दायम है। आप ये कह लें कि पेरेंट्स और पिबिनी बच्चों के दरमियान रिलेशनशिप है वो स्ट्रोंग है, लेकिन जैसे ही, लेकिन नाना पिबिनी नेगेटिव फीडबैक, डॉगी नहीं आप ना या अनम्यूट कुछ करें। लेकिन नेगेटिव फीडबैक में बच्चों क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक में एक्चुअली इक्विलिब्रियम अचीव्ड ही हो गया, यानी कि आप किसी भी, आप ये कह लें कि चेंज को अपने सिस्टम के अंदर नहीं ला रहे, आपने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, लेकिन इन द नेगेटिव वे। नेगेटिव वे में किस तरह से किया, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि वो बच्चा लेट है, वो घर आया है, आते ही पेरेंट्स जो है उनके साथ बहस करने लग गए हैं, चिल्लाने लग गए हैं, गुस्सा करने लग गए हैं, डांटने लग गए हैं, उसकी बात नहीं सुनी है, डांटा है, गुस्सा किया और फौरन से उसके ऊपर एक लगा दिया कि तुम्हारे इधर जाकर दिखाना, कुछ करके दिखाना। वहां पे क्या होता है कि हम लोग इमोशनली डर जाते हैं, या इमोशनली डरने के बाद क्या होगा कि हम लोग अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा डिटैच होने लग जाते हैं। नो डाउट इक्विलिब्रियम तो अचीव हो गया, लेकिन वो इक्विलिब्रियम अब अचीव कैसे हुआ है, एक नेगेटिव वे में अचीव हुआ। अब समझ आई है नेगेटिव फीडबैक की? मैम, यानी इन शॉर्ट ये कि दोनों कंडीशंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स की कंडीशन में चेंजेस आती हैं, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में पॉजिटिव चेंजेस आती हैं और नेगेटिव फीडबैक में नेगेटिव आती हैं, नेगेटिव लेकिन फीडबैक, नेगेटिव जी, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ही नहीं कर पाते, यानी कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं आता। मैम, नेगेटिव फीडबैक को बाद में हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लाइक अगर जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया उसको नेगेटिव चेंजेस के में जाने से पहले पहले अगर हम दोबारा से डिस्कशन करके उसको सही कर लेते हैं तो। कर लेते हैं सही बच्चों, हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई दफा आपने देखा होगा घर वालों को पहले गुस्सा आया होता है, पहले आपकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन बाद में जब आप आराम से तसल्ली से बता रहे होते हो तो वही चीज बाद में रिजोल्व हो जाती है। हम मैम, यानी दो हम इस तरह से भी इक्विलिब्रियम की स्टेट पे जो है वो मेंटेनेंस कर सकते हैं अपनी। मतलब ये है कि बाद में जब आप इस चीज को अचीव कर रहे होते हैं या बाद में उस चीज को देख रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन गैप इतना खराब नहीं होता। या क्योंकि एक दफा कई दफा भी होता है ना कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, परेशानी में भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं,
लेकिन बाद में उन्हें समझ आती है तो वो चीजें बाद में ठीक होने लग जाती हैं। जैसे अब बच्चों, अब एकदम से जब ये पेंडेमिक आई थी तो ऑब्वियसली अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब जो है, हम सबका इक्विलिब्रियम जो का है डिसबैलेंस हो गया। अब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, हर चीज हर जगह हम लोगों ने बंद कर दी, मतलब सिर्फ हम लोगों ने नहीं, अराउंड द वर्ल्ड लोगों ने ऐसा ही किया था, या पूरी दुनिया में आपने पूरे ग्लोबल विलेज में यही तो देखा है ना आपने, कि सब लोगों ने ये चीजें एकदम से खत्म कर दी हैं, बंद कर दिया है। तो वो चीजें जब एकदम से बंद हुई हैं, लोगों को आपस में किसी ने, आप ये कह लें कि लोगों को किसी ने वो बात पहले नहीं समझाई, आपस में इतमाद में नहीं लिया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम पॉजिटिव फीडबैक की तरफ किस तरह से जा रहे हैं, हम लोग अब साथ SOPs बना रहे हैं, चीजों को ओवरकम करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि, क्योंकि हम चीजों को एक ही तरह से खत्म नहीं कर सकते। अब हाँ, यहाँ पे हमने नेगेटिव फीडबैक को जो हमने पहले दिया था, उसी नेगेटिव फीडबैक को आहिस्ता 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 पॉजिटिव फीडबैक की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी कि अब हम चेंज को एक्सेप्ट कर लिया ना, हम लोगों को पता है कि अगर हमने बाहर जाना है हम बीमार भी हो सकते हैं, अगर हमने बाहर जाना है तो हम लोगों ने जी सैनिटाइजर यूज करने, हम लोगों ने मास्क यूज करने हैं, हम लोगों ने बार बार आंखों को हाथ नहीं लगाना है, चलो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने हाथ धो के आने हैं, हम लोगों ने किसी से हाथ नहीं मिलाना। अब हमने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, उस चेंज को हम अपने सिस्टम के अंदर ले आए हैं, तो वहां पे यही चेंज पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गए। लेकिन शुरू में क्या था, क्योंकि वो एकदम से आया था, हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, ज्यादा नॉलेज नहीं दी गई थी, ज्यादा आप ये कह लें कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, तो शुरू शुरू में हम इन्हीं चीजों से ज्यादा परेशान होने लग गए थे। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब मैम इसमें दो चीजें है ना, कि नेगेटिव फीडबैक में जब इक्विलिब्रियम स्टेट आई है, या तो वो नेगेटिव वाली साइड पे चले जाएंगे या वो पॉजिटिव वाली साइड पे चले जाएंगे। जी बच्चों, पॉजिटिव वाले साइड पे जाते हैं तो स्टेप फॉरवर्ड है, और अगर हम नेगेटिव स्टेप वाली साइड पे जाते हैं तो स्टेप बैक है। और अगर हम इक्वली पॉजिटिव नेगेटिव से वापस उधर आते हैं पॉजिटिव की तरफ, न्यूट्रल में, अगर न्यूट्रल में आ जाते हैं, अगर हम पॉजिटिव नहीं भी कर पाते तो हम वापस इक्विलिब्रियम तक मेंटेन कर लेते हैं। यानी कि मैम इसमें काफी वेज हैं आगे। जी बच्चों, क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम चल रहा है ना, और ऑब्वियसली फैमिली सिस्टम जो है यहाँ पे आपस में हम इंटरकनेक्टेड हैं, सिर्फ फैमिली सिस्टम या सिर्फ एक यूनिट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हम जनरेशन टू जनरेशन भी एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में हैं, हम इवन अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में, अपने नेबर्स के साथ, मतलब हमारा आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बढ़ रहा है यहाँ पे। और जितना ज्यादा ये सिस्टम ग्रो करता जाएगा ऑब्वियसली हमारी प्रॉब्लम भी और तरह की होंगी। बाज जगहों पे हमें इक्विलिब्रियम को एकदम से स्टेबल करना मुश्किल लगेगा, बाज जगहों पे बहुत ज्यादा आसान लगेगा। यहाँ तक बच्चों, किसी को कुछ ना समझ आया हो? मैम एक चीज पूछनी थी मैंने। जी, पूछिए पूछिए। मैम जो ऊपर हमने पढ़ा था मेरिटस क्यू, मैम उसमें तो मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है वो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो फिर वहाँ पे पेरेंट्स क्यू की जगह मेरिटस क्यू का वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि बच्चों ये जो थ्योरी थी ना, अब ये जो सारे जब हम लोग वो पढ़ रहे हैं, वो जब हम लोग उन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तब तक कोई भी फैमिली थ्योरी अभी आई नहीं थी। तब तक सिर्फ हम लोगों ने जैसे शुरू शुरू में पढ़ा था ना, कि स्टार्ट में सिर्फ मैरिज काउंसलिंग से रिलेटेड सेंटर्स थे, या कपल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड थे, या कपल काउंसलिंग करते थे, वहां पे अभी फैमिलीज में बच्चों को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं था किया, यानी कि फैमिली लेवल पे नहीं थे चल रहे। वहां पे सिर्फ ये देखा जाता था कि जी असल में सिर्फ पेरेंट्स के आपस में मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से फैमिली इफेक्ट कर रही होती है, और वो ज्यादातर सिर्फ मैरिटल से रिलेटेड होते हैं। हमने वो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वहां पे एक फेज ऐसी आई थी जब वहां पे स्किज़ोफ्रेनिया को वो लेकर आए थे, कि अगर फैमिली में कोई स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन है तो उसके बाद फैमिली के अंदर जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने तब तक सिर्फ मैरिटल स्क्यू और मैरिटल स्किज का वर्ड ही यूज किया था। क्लियर है इकरा? यस मैम। जो अब हमारी वाकई ही वो थेरेपी जो कि अब आप ये कह लें कि टोटली सिर्फ फैमिली पे बेस कर रही है, वो अब स्टार्ट होगी, जिसमें सबसे पहले आप लोग बच्चों पढ़ेंगे मरे बॉर्न को, जिसमें कहाँ पे चला गया, एक मिनट बच्चों, जैसे कि आपको सामने नजर भी आ रहा है कि हम लोगों ने जब कल उस दिन भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि फैमिली सिस्टम से रिलेटेड किसी भी एक थ्योरी या किसी भी एक थेरेपी पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे होते, बल्कि फैमिली से रिलेटेड 4 थ्योरीज थी जो जो मतलब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव में वो पेश की थी, जिसमें फर्स्ट वन में जो बावन की आपको नजर भी आ रही है इंटरजनरेशनल अप्रोच है, जो कि आपस में हम डिफरेंट जनरेशन में जो जो चीजों को फेस कर रहे होते हैं उनसे रिलेटेड है।
यहाँ पे हम जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या चीजें देखेंगे वो टोटली सारी फैमिली से रिलेट कर रही होती है। इसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, इवन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाते हैं। लेकिन जो आपने पहले जैसे आप मैरिटल स्क्यू मैरिटल स्किज्म की बात कर रही हैं, वो तब की बात है जब तक अभी फैमिली सिस्टम या फैमिली थेरेपी अलग से नहीं आई थी। सिर्फ हम लोग मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा करते थे और मैरिज काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें ज्यादा चल रही थी। क्लियर है इकरा? इकरा कहाँ गई हैं आप? इकरा या मरियम? मैं इकरा। जी जी इकरा, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ने लगे हैं बकायदा के अपनी पहली फैमिली थेरेपी के, जो के बोवंस की इंटरजेनरेशनल अप्रोच है। जी मैम, वंस के मैम आपने कहा था नेक्स्ट अप्रोच नहीं पढ़ेंगे मैम, आप शुरू करने लगी हैं। बच्चों की इतनी ज्यादा अप्रोचेस किस तरह पढ़ेंगे? चार तो तुम लोगों के अब लेक्चर आ गए हैं। हम सारी नहीं पढ़ेंगे मैम, इतना ही बहुत है मैम। 52 हो गए हैं वैसे भी, अब तो मैम एक्चुअली टाइम थोड़ा है, नमाज पढ़नी है अभी। अच्छा चलें कोई बात नहीं, फिर कल स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, जी 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 बोलें बोलें मैम। आप सिलेबस का भी बता दें ताकि हम पढ़ना शुरू करें। जी बच्चों, बच्चों असल में ना मुझे यही नहीं पता कि अब हम लोगों ने क्लासेस 15 तक लेनी है या 15 से आगे भी लेनी है। अब मुझे लगता है कि वो 15 तक या नेक्स्ट वीक में हमें कुछ बताएंगे, तो फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ सिलेबस का। ओके मैम। मैं मतलब मिड्स वाला तो नहीं होगा? बच्चों मिड में क्या था, कुछ भी नहीं था मिड वाला। वैसे होगा भी क्यों बच्चों, हम लोगों ने जो अभी पढ़ ली है मुझे लगता है काफी थ्योरीज पढ़ ली है, तो फिर वो दोबारा से। यस मैम। हम ऐसा करेंगे कि चलें कल थोड़ा सा डिसाइड कर लेंगे। ओके मैम। कि हम किन थ्योरीज को रखें, मतलब ये अभी बच्चों परमानेंट नहीं है, या फिर आप वेट कर लें नेक्स्ट वीक का। कि अगर हमें नेक्स्ट वीक ये कहा जा रहा है कि आपने और क्लासेस लेनी है, तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ कर लेंगे मिल मिला के, वो आप टेंशन ना लें। लेकिन अभी तो कोई ऐसा आया नहीं है आइडिया कि यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है 15 से या नहीं हो रही है, तो उसके बाद ही फिर मैं भी कुछ बता सकती हूँ आपको बच्चों। ठीक है मैम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।